हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेज एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा टुडेज अवर टॉपिक इज एम सी क्यू ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन में बताया गया कि इकोनॉमिक्स क्या है उससे रिलेटेड कुछ एम सी क्यू तो ये एम सी क्यू आपको बी बी ए में बी कॉम में और कई जगह पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पर आपके लिए यूजफुल है तो so, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हुज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लासीफिक्ट्री कौन सी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्लासीफैक्ट्री जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं एडम स्मिथ की मार्शल की पिगो की या फिर रॉबिन्स की द राइट आंसर इज बी मार्शल हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं हम एडम स्मिथ द इकोमिक्स्ट हु प्रेजेंटेड वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिकट वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन के बारे में बताते इकोनॉमिक्स में उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं द इकोनॉमिक हु प्रेजेंट वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन बताते हैं उन्हें हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं द इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने प्रेजेंट की है तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन सैमिलसन ने बताई है हु ऑथर्ड द बुक टाइटल एंड इंक्वायरिंग टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने लिखी है ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी है द ऑथर ऑफ एन एस ए ऑथर ऑफ एन एस एन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ये बुक किसने लिखी है तो ये बुक डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल ने लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण क्या है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण है स्केयरसिटी या फिर स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारी कंट्री में रिसोर्सेस कम है इसलिए रूट प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की वो है स्केयरसिटी द कंसेप्ट ऑफ स्केयरसिटी इज कंसेप्ट क्या है एक्सलूट कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट साइंटिफिक कंसेप्ट और एथिकल तो ये है रिलेटिव कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस स्केयरसिटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस यहाँ पे ऑप्शन है और पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस नेचुरल साइंस और सोशल साइंस राइट आंसर इज पॉजिटिव साइंस द इकोनॉमिक्स हु पॉपुलराइज द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो और मैक्रो किसने बताया था तो सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो बेनहम ने बताया था हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड ये किसने बताया था कि इकोनॉमिक्स न्यूट्रल बिटवीन एंड है अब न्यूट्रल बिटवीन एंड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी वॉन्ट्स हैं लेकिन हमें अपनी वॉन्ट को न्यूट्रल करना है या फिर हमें अपनी वॉन्ट के बीच में ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है तो ये बताई गई थी डेफिनेशन रॉबिनसन में विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से कौन सा ऑप्शन माइक्रो इकनॉमिक्स के साथ डील नहीं करता तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो टर्म है जो इंडिविजुअल के साथ डील करता है किसी भी पर्टिकुलर कोई कमोडिटी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताता है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ग्रोथ रेट ऑफ जी एन पी दैट इज़ रिलेटेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द कंट्री अब सीमेंट बोला है तो ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है एंड अगेन टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्रो प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिलोंग जो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ये किसके साथ डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिक्स के साथ या इकोनॉमेटिक्स के साथ क्योंकि ये इंडिविजुअल के साथ डील करती है इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है द लॉ ऑफ स्केयर सिटी अप्लाइज टू हमारे पास जो अभी हमने समझा कि लॉ ऑफ स्केयर है जहाँ पे हमने बताया कि रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस करने होते हैं हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये किसके साथ डील करती है ये सभी इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है स्केर ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लाइज दैट स्केयर का मतलब क्या है पीपल आर ग्रीडी वी शुड कर्टल अवर वॉन्ट्स हमें अपने वांट्स को कम कर देना चाहिए वी शुड इंक्रीज द रिसोर्सेज हमें रिसोर्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए या वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वॉन्ट एट द सेम टाइम तो स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है हम अपनी वॉन्ट्स को एक समय पर पूरी तरह से सभी वांट्स को कम्प्लीट नहीं कर सकते मटीरियल थिंग्स रिफर्स मटीरियल थिंग्स किसे कहेंगे सर्विस ऑफ टीचर सर्विस ऑफ डॉक्टर टी वी सेट या नाइदर अब सर्विस ऑफ टीचर या डॉक्टर जो है ये इन मटीरियल है इनटेंजबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन टी वी सेट को हम टच कर सकते हैं इसलिए हम इसे कहेंगे ये मटीरियल थिंग है इकोनॉमिक्स इज द डैश साइंस विच डील विथ ह्यूमन वॉन्ट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन तो इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है सोशल पॉलिटिकल नेचुरल या फिजिकल द राइट आंसर इज इकोनॉमिक इज सोशल साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ डैश डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ये किसने बताया है ये डेफिनेशन है एल्फर्ट मार्शल की द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय एंड डैश अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो ये किसके साथ इंडिकेट कर रहा है या हमारी इन कंट्री में सेविंग बढ़ गई है बी इन इन्वेस्टमेंट in हो गया है इंक्रीज इन जनरल प्राइस हो गया है या फिर नेशनल इनकम बढ़ गई है तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है पूरी टोटल कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई द फादर ऑफ न्यू is यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या न्यू इकोनॉमिक्स दोनों ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारे लिए राइट आंसर रहेगा एडम स्मिथ द पॉसिब द प्रॉब रिफर द डैश प्रॉब्लम रिफर टू द पॉसिबिलिटी दैट ओनर एंड देयर मैनेजर मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस कौन सी प्रॉब्लम होती है जब कंपनी और मैनेजर की प्रॉब्लम कही जाएगी ये या प्रिंसिपल और एजेंट की प्रॉब्लम कही जाएगी फर्म या एम्प्लॉय की प्रॉब्लम की जा कही जाएगी या प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे राइट right आंसर है प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट क्योंकि यहाँ पे ओनर और मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफर टू डैश माइनस ऑल रेलिवेंट कॉस्ट बहुत एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिड क्योंकि हमने अगर इकोनॉमिक्स प्रॉफिट के बारे में समझा है तो वहाँ पे इम्प्लिसिड कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही आ जाती हैं लेकिन अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से सारे रेलिवेंट कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा चाहे वो इम्प्लीसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो और वहीं अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो हम सिर्फ एक्सप्लिसिट प्रॉफिट को ही काउंट करते, करते हैं या एक्सप्लिसिट एक्सपेंसिस को ही काउंट करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही ऐसा इकनॉमिक्स है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ डील करता है या माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एक ऐसी स्टडी है जो इंडिविजुअल के साथ डील करता है डैश फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स ऑन द इकोनॉमिक्स स्टेज दैट इज द फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड देयर इंटरेक्शन इज इन द मार्केट अब जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वही इकोनॉमिक्स है जो एक एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है तो यहाँ पर भी आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरियन ओरिजन इन डैश वर्ड इकोनॉमिक्स वर्ड जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वो कौन सा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिक इंक्लूड द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है इकोनॉमिक्स में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे कंजप्शन हो चाहे एक्सचेंज हो इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगैन सेम क्वेश्चन कि इकोनॉमिक एक्शन जो है वो इंडिविजुअल ऐसी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ डील करती है उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री में लिमिटेड या स्केयर्स रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम अपनी सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते द थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या होंगे हाउ व्हाट और फॉर हुम शुड बी प्रोडक्शन डन हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस बेसिस पे होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वॉट टू प्रोड्यूस इस तरीके से तीन क्वेश्चन रहते हैं इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं कंट्री की इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड द स्केयर मींस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज डेफिनेशन इज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीजों पर फोकस करता है सिर्फ किस पे नहीं करता है तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई तो महंगाई के मनी सप्लाई पे इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि इन्फ्लेशन इज द टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वहीं अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं परचेजिंग डिसीजन दैट एन इंडिविजुअल कस्टमर मेक तो इंडिविजुअल की बात आ गई है तो हम डायरेक्टली माइक्रो की तरफ जाएंगे इफेक्ट ऑन एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन सिगरेट और सिगरेट सेल्स अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हायरिंग डिसीजन दैट अ बिजनेस मेक बिज़नेस जो डिसीजन ले रहा है किसी भी बात से रिलेटेड तो वो भी माइक्रो से रिलेटेड है क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारे लिए एक्सेप्ट चला जाता है नेशनल इनकम या फिर हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन प्रॉब्लम जो मनी सप्लाई से आई है तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो बेसिक इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट थे होपे स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लस शेयर कीजिए थैंक यू